श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा, और मेरा फिर एक प्रयास है कि एक बार आपकी राशि में, खासकर राशि वृश्चिक के बारे में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या सुख उत्पन्न होने वाला है, कैसे जीवन को बेहतर बनाया जाए और महीने को कैसे अच्छा पहुंचाया जाए, उस चीज़ के लिए आपको पूरी जानकारी दूं। सितंबर का महीना राशि वृश्चिक के बारे में कैसा रहेगा, इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी प्रकार के रत्न को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार की शंका है, कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, रत्न से हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो रत्न के विशेषज्ञ संस्थान के अंदर मौजूद होते हैं। संस्थान का नंबर आपके पास दिखाया जा रहा है, आपके सामने है। आप कॉल करके संस्थान से बाकायदा कौन सा रत्न आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा रत्न आपके लिए नुकसानदेह है, किस प्रकार का रत्न आपको धारण करने से जो जीवन में दिक्कतें आ रही हैं वो जीवन की दिक्कतें दूर होंगी, पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे राशि वृश्चिक के बारे में। कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, अंत में मैं आपको आपकी राशि के लिए विशेष उपाय क्या है सितंबर के महीने के लिए वो भी आपको बताऊंगा। अगर हम इस महीने को लेकर के देखें तो ये महीना आपके लिए एक तरह का सौगात लेकर के आया है, एक तरह का बहुत अच्छी परिस्थितियां लेकर के आया है आपके लिए। खासकर वो लोग जो राजनैतिक क्षेत्र में हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अच्छा प्रयास करने के बाद अच्छी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, या उन लोगों की अगर मैं बात करता हूं जो सरकारी नौकरी के लिए निरंतर प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास कभी भी सफलता देने वाला नहीं हो पाता है, या मैं उन लोगों की बात करूं जो ऑफिस के अंदर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत का जो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, सैलरी नहीं बढ़ती है, प्रमोशन इत्यादि नहीं हो पाता है, तो उनके लिए खासकर मैं अगर सितंबर के महीने की बात करूं तो एक अच्छी सौगात लेकर के आया है। इस महीने सूर्य तारीख 15 तक आपकी राशि के दशम भाव में गोचर करने वाला है। इसका मतलब है कि सरकारी क्षेत्र से जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके संपूर्ण होने वाले हैं, सरकारी नौकरी के लिए किया गया प्रयास आपका सफलता देने वाला है, राजनैतिक क्षेत्र में जो बड़े लोगों से संपर्क हैं वो आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं, मन में प्रसन्नता रहेगी, व्यापार इत्यादि प्रारंभ करने की योजनाएँ आपकी सफलता देने वाले होंगी, किसी प्रकार का कोई कार्य आपका रुका हुआ है वो कार्य जरूर संपूर्ण होगा। तारीख 15 के बाद भी आपकी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी, कारणवश इस समय पर आपको धन लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, पार्टनरशिप में अच्छे व्यवसाय के अवसर प्रारंभ होंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। लेकिन वहीं जब मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करता हूं तो मुझे थोड़ी चिंताएं जरूर होती हैं। इस महीने स्वास्थ्य आपका ढीला रहेगा, दो दिन ठीक रहेगा, दो दिन खराब रहेगा, ये परिस्थितियां आपके साथ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों को लेकर के अगर मैं बात करूंगा तो परिवार के सदस्य इस महीने, क्योंकि आप कार्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे इसलिए परिवार के सदस्य आपसे कहीं ना कहीं असंतुष्ट होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि उनकी असंतुष्टता को संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। परिवार असंतुष्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये महीना आपके कार्य को पूर्ण करने वाला बना है तो इस कारण से इस महीने में अच्छी मेहनत कर लेना महत्वपूर्ण है, और परिवार को समझाइए कि हमारे पास इस टाइम पर नए अवसर मिल रहे हैं, मैं इस महीने जो भाग दौड़ करूंगा उसका मुझे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, तो कृपया मुझे थोड़ा सा मेहनत करने दीजिए, मैं आपके साथ हमेशा हूं। इस प्रकार से परिवार को समझा करके अपने कार्य पर अच्छी मेहनत करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट जरूर प्राप्त हों। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, उधार पैसा इस महीने में देना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उधार पैसा इस महीने बिल्कुल नहीं दीजिएगा। नया व्यापार इत्यादि प्रारंभ करना है, उसमें धन लगाना है तो उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो इस महीने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। पढ़ाई के माध्यम से इस महीने विदेश यात्रा करने का आपको शुभ अवसर जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें, हम हमेशा, आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो शत्रु हमारे उसी के साथ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस महीने शत्रु भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे, लेकिन उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, आपकी मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट दिला करके जरूर जाएगी। तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कार्य पर आगे बढ़ें। इस महीने भाग्य 99% आपके साथ है। इतना जब भाग्य का साथ मिले तो हमें कर्म अच्छा करना चाहिए। भाग्य साथ दे रहा है, कर्म करेंगे सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस महीने नीला रंग आपके लिए बहुत लाभप्रद है। शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ होगा, और अगर बात करूं तो 4 का अंक आपके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा।
कभी भी घर से इस महीने महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो अपनी चौखट को प्रणाम करके आपको जरूर जाना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, माता पिता को इस महीने या हमेशा वैसे माता पिता को जीवन में कभी दुख ना पहुंचे ऐसा प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस महीने माता पिता को रुष्ट करके यदि आप कार्य पर जाएंगे तो क्योंकि पिता का कारक सूर्य दशम भाव में विराजमान है तो आपके कार्य को निश्चित रूप से बिगाड़ने वाला होगा। बेशक कार्य ना बने, बेशक कार्य के लिए प्रयास किया जा रहा है असफलता मिले, लेकिन माता पिता को अगर हम दुखी करेंगे तो निश्चित असफलता मिलेगा। अगर माता पिता को प्रसन्न करके चलेंगे तो जो असफलता मिलने वाला दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सफलता में जरूर परिवर्तित हो जाएगा। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का जो सबसे अंतिम दोहा है वो इस महीने आपको बहुत लाभ देने वाला है। दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसका स्मरण करके आप इस महीने अपने भाग्य को चमका सकते हैं, इस महीने आने वाली दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, जीवन में पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी संस्थान पूरी तरह आपके साथ है, किसी प्रकार की भी धार्मिक चीज़ों की जानकारी चाहिए, किसी प्रकार अपने जन्म कुंडली के बारे में जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की समस्याएं जीवन में हैं उसका निवारण करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर पर फोन करके पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ये सितंबर का महीना समस्त प्रकार की खुशियां प्रदान करे, आप अपनी योजनाओं में कामयाब हों, इसी भगवान की प्रार्थना के साथ मैं आज के कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।